हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को मैं सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे होली आई। तो कल हम पढ़ते थे इस विषय होली आई। होली आई, तो होली आई, उसका जो बच्चा हुआ अंश को आज हम पढ़ेंगे। तो होली के बारे में तुम जानते हो, तो भारत त्यौहार का देश है, इसमें एक त्यौहार होली है। तो होली का त्यौहार रंग का त्यौहार भी कहलाता है। तो होली का त्यौहार फागुन महीने में मनाया जाता है, अर्थात होली रो उत्सव फागुन मास रे पालन करा जाए। तो बच्चा हुआ अंश को हम पठन करेंगे। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई। इस आंगन में मजिरे खनके, उस आंगन में नूपुर रनके। इस आंगन में मंजिरे खनके, उस आंगन में नूपुर रनके। ढोलक ठनके राह राहों में, बालक बुढ़े सब उत्साह में। देखो बच्चे, जब होली का उत्सव मनाया जाता है, तो होली जो फागुन के महीने में मनाया जाता है, तो उस समय में सूरज और चंदा मतलब चांद, सूर्य और चांद, तो ये सूरज और चांद ये सबको आनंद प्रदान करते हैं। सूरज और चांद सबको आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि सूरज का जो तेज है ये काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, चांद का तो शीतल छाया भी प्रदान करते हैं। तो सूरज चांद सब सुखदाई, सबको ये सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं होली के मौसम में। इस आंगन में मजिरे खनके, उस आंगन में नुपुरु रनके। ढोलक ठनकी राह राहों में, बालक बुढ़े सब उत्साह। तो देखो, जब होली का त्यौहार आ जाता है, तो बालक बुढ़े सब आनंद में डूब जाते हैं। तो गांवों के आंगन में ढोल नगाड़ नूपुर का शब्द सुनाई पड़ता है, ढोल बजाते हैं और नूपुर रनकता है, मतलब नूपुर का अर्थ पाऊंजी बाजी भी आते। तो ग्राम मानकर गाँ गाँ मानक लोक मैंने आनंद उल्लास ढोल मृदंग एवं विभिन्न प्रकार वाद्य को से कौन करती बजे तो गाना सुर कर देते हैं। ढोलक ठनकी राह राहों में, बालक बुढ़े सब उत्साह। तो गांव-गांव के गली-गली में लोग क्या करते हैं, तो नगाड़ ढोलक बजा कर तो गाना सुर कर देते हैं और नाचते हैं। सब अपना बेर भाव को भूल जाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। तो और क्या है, गली गली में फागे गाई, होली आई। तो होली के जो त्योहार है, उस त्योहार में लोग
फागे गाते हैं। फागे एक गाना है, एक गीत है, तो उसको गाते हैं। जली होली का चौराहों पर लोग मिल रहे हैं राहों पर, जली होली का चौराहे पर लोग मिले हैं राहों पर, जहां देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। तो ये एक पौराणिक दत्त कथा है। तो पौराणिक दत्त कथा अनुसार हिरण्यकशिप की बहन होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को आग में जलाने के बदले खुद जल मरने की याद में होलिका का दहन किया जाता है। होलिका को इस दिन दहन किया जाता है, क्योंकि तो हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और हिरण्यकश्यप अपना बेटा को कहा कि मुझे तू भगवान मान ले। तो प्रहलाद ने, तो ये विष्णु भक्त था, ये अपना पिता को भगवान नहीं माना, इसलिए पिता का क्रोध और बढ़ गई, ये गुस्सा आ गया और उसको मारने के लिए चिंता किया। तो उसका बहन जो हिरण्यकश्यप उसका होलिका है, तो होलिका एक को एक वर मिला था कि ये आग में दहन नहीं हो सकेगा सकेगी होलिका। तो ये निर्णय हुआ कि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, होलिका बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और होलिका खुद जलकर राख बन गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। तो इसकी स्मृति में ये होलिका को दहन किया जाता है। लोग मिल रहे हैं चौराहे पर, जहाँ देखिए वहीं प्यार है। तो चौराहा मतलब जो छक स्थान बा छक जगह मान करे लोक मैंने एकत्रित तो हुआ, एवं सब अपना पुराने बेर को भूल जाते हैं और आनंद में सब मिलजुल कर मिठाइयाँ खाते हैं और सब आनंद उत्सव को मनाते हैं। नाचो गाओ झूमे भाई, होली आई होली आई। जब होली का त्यौहार आ जाता है, सबके मन में ये उमंग भर जाता है, सब आनंद में डूब जाते हैं कि हम सब आनंद मैत्री प्रीति भातृभाव एकता आदि भाव आपस में जागना इस पर्व का मूल उद्देश्य है। तो होली के अवसर पर आपस में गुलाल अबीर एक दूसरे पर मलने का खेल खेला जाता है। अबीर लेकर गुलाल एक प्रकार का रंग है, इसको लेकर सब एक दूसरे पर मलते हैं, लगाते हैं, ये ऐसा खेल खेला जाता है। ये होली का त्यौहार है और कुछ दिन के बाद भी ये त्यौहार आ जाएगा। तो ये जो सुंदर गाना है होली आई, तो आज हम कुछ शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जैसे हवा का चलना, कोयल का कूकना और सरसों का फूलना, वैसे पानी का क्या होगा? पानी का क्या होगा? पानी का बहना, पानी का बहना और बादल का क्या होगा? गरजना। बादल का गरजना और बिजली का क्या होगा?
बिजली का चमकना, बिजली का चमकना होगा। और कुत्ते का, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, कुत्ते का भौंकना। कुत्ता क्या जानते हो, कुत्ता डग कुकुर, कुत्ते का भौंकना। कुत्ते का भौंकना कुत्ते का भौंकना और गाय का रंभाना, गाय रंभाता है। गाय जो रड़ी करे बा बुबाए ताकि हिंदी में कहती गाय रंभाना, गाय का रंभाना, गाय का रंभाना। देखो गाय का, गाय का रंभाना क्या होगा, रम गाय का रंभाना। और शेर का, शेर क्या जानते हो, शेर शेर का, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, दहाड़ना, दहाड़ना। शेर का दहाड़ना, देखो शेर का दहाड़ना। तो पानी बहती है, पानी बहती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, कुत्ते भौंकता है और गाय रंभाता है। शेर, शेर दहाड़ता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। सिंह जितने गर्जन करे ताको हमें दहाड़ना बोली पहुंचे, शेर दहाड़ रहा है शेर। तो और देखो कुछ पुलिंग शब्द है, इसके बारे में तुमका पता चल गया होगा, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। कुछ पुलिंग शब्द है ये कविता में, कुछ पुलिंग शब्द है। हार कोना चमक उठा, तो लिखा गया हार कोना चमक उठा, हर कोना चमक उठा, हर कोना चमक उठा। और देखो गेहूं लहका, और आंगन महका, आंगन महका, पत्ते झूमे, पत्ते झूमे, तो देखो कोना गेहूं और आंगन और पत्ते, ये जो रेखांकित शब्द है कोना, ये पुलिंग शब्द है। तो उनकी क्रियाएं है चमक उठा, गेहूं लहका, ये भी पुलिंग शब्द है, क्रिया लहका है, ये पुलिंग है। आंगन महका, आंगन भी, ये पुलिंग शब्द है और महका भी पुलिंग। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। वैसे टेसु फूल गया, टेसु फूल गया, टेसु फूल गया,
तो टेसु देखो, ये टेसु ये पुलिंग शब्द है, तो फूल गया ये भी क्रिया पुलिंग शब्द है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, उसको जानने लेना जरूरी है। तो देखो, और खेत एक शब्द है, खेत ये भी पुल्लिंग शब्द है। खेत जो हमारा होली आई होले आई विषय में कुछ शब्द है, खेत ये पुल्लिंग शब्द है। और भौरा ये भी पुल्लिंग शब्द है। भौरा ये पुल्लिंग शब्द है। पत्ता पुल्लिंग शब्द है। पत्ता पुल्लिंग शब्द है। और दुनिया पुल्लिंग शब्द है। सूरज पुल्लिंग शब्द है। चंदा पुल्लिंग शब्द है। मंजीरा पुल्लिंग शब्द है। तो ये सब पुल्लिंग शब्द है। बच्चों, आज के लिए इतना ही है। मेरी ओर से तुम सबको धन्यवाद।